अपडेट ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। गुना से खास रिपोर्ट, गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। पुतला जलाते रहे कांग्रेसी, पुलिस ने नहीं किया एतराज। पटवारी भर्ती घोटाले के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, फूका सीएम का पुतला। पटवारी परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस द्वारा शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। पूर्व की भांति इस बार पुलिस एवं प्रशासन ने पुतला छीनने की कोशिश नहीं की। इस दौरान कांग्रेस जनों ने आसानी से हनुमान चौराहे पर पुतला फूंक दिया। जनता पार्टी जो युवाओं के साथ छलावा कर रही है और जो 15-15 लाख रुपए में सीटें बेच रही है पटवारी की, उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस यहाँ सड़क पर उतरी है और भाजपा को ये बताना चाहती है कि ये 15-15 लाख रुपए में जो आप सीटें बेच रहे हो, जो युवाओं के साथ छलावा कर रहे हो, वो अब नहीं चलेगा। और शिक्षित बेरोजगार हमने शिवराज सिंह जी का पुतला दहन किया है, क्योंकि युवाओं के साथ वो बहुत ही गलत कर रहे हैं और जो युवा एक उन पर प्रदेश सरकार पर जो भरोसा था वो टूट गया है। युवा में आज आक्रोश है और सभी युवा सड़क पर उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगभग आप देख सकते हैं एक कॉलेज से 1000 युवा और 10 में से 60 टॉपर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का कॉलेज है, वहाँ से चयनित होते हैं। ग्वालियर का NRI कॉलेज, तो इस भ्रष्टाचार, और एक सागर का कॉलेज है, वहाँ से भी लगभग इतने ही बच्चे चयनित हुए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से कहना चाहते हैं कि ये युवाओं के साथ छलावा बंद करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद रघुवंशी है, मैं युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष।